चोपड़ा लेकर हाजिर हूँ आज की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट एनालिसिस की। आखिर क्या था खालिस्तान आंदोलन जिसकी पंजाब में चर्चा कर रहा है अमृतपाल। खालिस्तान आंदोलन की कहानी शुरू होती है सन 1929 में, जहां कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। लेकिन इस दौरान तीन तरह के समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग, दूसरा समूह दलितों का था जिनकी अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वही तीसरा गुडमास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग की और 1947 में ये मांग आंदोलन के रूप में बदल गई और इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आजादी के समय पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी सिख प्रदेश मांग रहा था। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। पंजाब में लगातार 19 सालों तक ये आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार सन 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को तीन राज्यों में बांटने का फैसला किया, सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा था चंडीगढ़। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। पंजाब के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इतने बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे तो कुछ लोग साझा राजधानी के कारण खफा थे। आखिर क्या उद्देश्य है खालिस्तान आंदोलन का? खालिस्तान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है भारत के पंजाब राज्य को भारत से अलग करके एक नए सिख राज्य की स्थापना करना, जिसका नाम खालसा पंथ के नाम पर खालिस्तान रखा जाना चाहिए। खालिस्तान का अर्थ इससे स्पष्ट होता है कि खालसा का अर्थ है शुद्ध और वही खालिस्तान का अर्थ बनता है शुद्ध स्थान। बात की जाए खालिस्तान के ध्वज की तो खालिस्तानी इसे अपना राष्ट्रीय ध्वज मानते हैं। आखिर कौन है अमृतपाल सिंह जिसे भिंडरांवाला 2.0 कहा जा रहा है? 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन द्वारा अकाली दल ने पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी और 1980 तक इस प्रस्ताव के पक्ष में सिखों का समर्थन बढ़ता गया। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडरांवाला, जो रागी के रूप में सफर शुरू कर आगे चलकर उग्रवादी बन गया। 500 सालों से हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपना खून बहाया है। कुर्बानी देने वाले इतने लोग हैं कि हम उंगलियों पर नहीं गिना सकते। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। ना इंदिरा हटा सकी थी, ना मोदी और ना अमित शाह हटा सकते हैं। दुनिया भर की फौजें आ जाए, मरते मर जाएंगे, लेकिन इस दावे से पीछे नहीं हटेंगे। यह बयान है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह 20 अगस्त 2022 को दुबई से पंजाब आया और दीप सिद्धू द्वारा शुरू की गई वारिस पंजाब दे संस्था का प्रमुख बन गया। उनकी खालिस्तान समर्थक टिप्पणी और पंजाब की स्वतंत्रता पर बयानों ने पंजाब में अशांति की स्थिति पैदा कर दी है। और अगर बात की जाए अमृतपाल सिंह के सोशल मीडिया एक्टिविटी के बारे में तो पता चलता है कि वो पिछले 5 सालों से सिखों से संबंधित मुद्दों पर मुखर होकर बोल रहा है। अमृतपाल सिंह द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने के अलावा और कई भड़काऊ बयानों और विवादों के चलते राज्य सरकार और केंद्र सरकार हरकत में आई, जिसके चलते अमृतपाल सिंह अभी पंजाब से फरार होकर आशंका जताई जा रही है कि नेपाल में छिपा हो सकता है। आज की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट एनालिसिस में बस इतना ही। देखते रहिए एमसीबीपी डिपार्टमेंट चैनल।